मुबारक हो होटल के मालिक बनने के लिए और व्यापार की दुनिया में अपना पहला कदम उठाने के लिए। हम जल्द ही मिलेंगे। ये संदेश देखकर होटल के मैनेजर के साथ खड़ा शिखर मानो अपने आप से ही बड़बड़ाने लगता है। इसे ये बात कैसे पता चली? जब डील बंद दरवाजे के पीछे हुई थी तो इतना जल्दी इसे कैसे पता चल गया? क्या उस कमरे में भी इसका कोई खबरी था? शिखर को इस हाल में देखकर मैनेजर बोला, क्या बात है सर, आप अचानक से? शिखर मैनेजर की बात सुनते हुए भी अनसुना कर देता है। उसका पूरा ध्यान फोन पे ही होता है। तभी उस फोन में आए एक और संदेश पर उसकी नजर जाती है। बैंक से आए दूसरे संदेश में शिखर के खाते से पैसे कटने की बात लिखी हुई थी, जिसे देखकर शिखर समझ गया, हो ना हो जब भी मैं अपने खाते से कुछ भी लेन देन का काम करता हूँ, इस बात की जानकारी शुभचिंतक को पहुंच ही जाती है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद शिखर चैन की सांस लेता है और मैनेजर से विदा लेते हुए वहां से अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। शिखर रास्ते में बस एक स्टेशनरी की दुकान पर रुकता है अपने लिए एक पेन खरीदने। इतने दिनों से उसने अपने लिए एक पेन तक नहीं खरीदा था। बस दूसरों से मांगते हुए वो आज तक अपना गुजारा कर लेता था। शिखर जैसे ही कक्षा में प्रवेश करता है, कक्षा में मौजूद सभी विद्यार्थी उसे देखकर आपस में फुसफुसाते हुए हंसने लगते हैं। शिखर सबको नजरअंदाज करते हुए अपनी कुर्सी की ओर जा ही रहा होता है कि अंकुश उसके सामने आकर बीच रास्ते में ही उसे रोक देता है और बोलता है, हमें माफ करना यार, कल तस्वीर लेते लेते हम कब वहां से कहीं दूर निकल गए पता ही नहीं चला। वैसे तुम वहां से कैसे निकले? पैसे तो होंगे नहीं तुम्हारे पास? फिर वहां रात भर बर्तन मांजे या बिना पैसे दिए भाग के आ गए? अंकुश की इस बात को सुनकर कक्षा के बच्चे फुसफुसाना छोड़कर शिखर पर खुल के हंसना शुरू कर देते हैं। शिखर अंकुश की इस बात का शांतिपूर्ण स्वर में जवाब देते हुए कहता है, मैंने होटल ही खरीद लिया, फिर किसी ने मुझसे खाने के पैसे मांगे ही नहीं। और उसे नजरअंदाज करता हुआ सीधा अपने स्थान पर जा बैठता है। अंकुश पूरी कक्षा के सामने शिखर की बात पर जोरों से हंसते हुए बोलता है, तू और होटल खरीदेगा? अरे जिसकी उस होटल के बॉस से बात करने तक की हैसियत नहीं है, वो होटल खरीदने की बात कर रहा है। चल वादा है मेरा, जिस दिन तू उस होटल को खरीद कर दिखा देगा, उस दिन मैं तेरे सामने अपना सर झुका लूंगा और पतलून नीचे करके खड़ा हो जाऊंगा। वहां पर बैठे सभी विद्यार्थी अंकुश के साथ मिलकर शिखर का मजाक उड़ाए जा रहे थे, मगर शिखर इन्हें नजरअंदाज करते हुए अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। उसे अंकुश या किसी और की बातों पे अपना समय बर्बाद करने में कोई रुचि नहीं थी। वो बस बिना कुछ बोले अपनी कुर्सी पर हल्की सी मुस्कान लिए बैठा रहा। तभी अनन्या भागते हुए कक्षा में प्रवेश करती है और सीधा जाके शिखर के गले लगती है, बार बार थैंक यू बोलते हुए। ये दृश्य देखकर कक्षा के सभी बच्चों में मानो सनसनी सी फैल जाती है। सभी आपस में फिर से एक बार फुसफुसाने लगते हैं। शिखर का दिल भी जोरों से धड़कने लगता है अनन्या को अपने इतने करीब पाकर। इस वक्त शिखर और बाकी सभी के दिमागों में एक ही बात चल रही थी, ऐसा क्या कर दिया शिखर ने कि अनन्या उसे थैंक यू बोल रही है? अंकुश जो इतने दिनों से अनन्या के करीब आने की कोशिश कर रहा था, आज उसी अनन्या को किसी और से सभी के सामने लिपटते हुए देखकर जलन महसूस कर रहा था। शिखर अनन्या एक दूसरे से अलग होते हैं और अंकुश अनन्या से पूछता है, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया इसने? अनन्या शिखर की आंखों में देखते हुए बोलती है, मेरे पापा कंगाली की कगार पे ही थे कि शिखर ने उन्हें बचा लिया। तुमने होटल खरीद कर मानो एक पल में हमारी सारी मुसीबतें दूर कर दी है शिखर। शिखर भी ये सुनके चौंक जाता है कि कल जिस होटल को उसने खरीदा वो अनन्या के ही पिता का था। अंकुश और बाकी सब भी ये सुनकर चौंक पड़े। अंकुश को अपनी बातों का पछतावा होने लगा कि काश मैंने कक्षा के सामने पतलून उतारने की बात नहीं की होती। शिखर को भी समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या के इस बात का क्या जवाब दे, और वो अपनी नजरें फेरते हुए बोला, मैंने ये तुम्हारे पापा के लिए नहीं किया है, इसके पीछे मेरा अपना भी स्वार्थ था।
मौका देखकर अंकुश अपनी कुर्सी पर वापस बैठने जा ही रहा होता है कि शिखर उसे पीछे से आवाज देते हुए बोलता है, थोड़ी देर पहले सबके सामने कुछ बोल रहे थे, अगर मैंने सच में होटल खरीद लिया तो तुम क्या करोगे? अंकुश बात टालते हुए बोलता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, जाने मेरी बातें सच क्यों मान लेते हो तुम? थोड़ी देर पहले जिस कक्षा के सभी विद्यार्थी शिखर का मजाक उड़ा रहे थे, अब वहीं बैठे सभी लोगों की नजरों में मानो शिखर के लिए सम्मान भरा हुआ था। शिखर टैक्सी में होटल पहुंचता है और सीधा जाता है दिव्यांशु से मिलने। दिव्यांशु भी शिखर को इस वक्त यहाँ देखकर पूछता है, यहाँ अचानक कोई जरूरी काम था क्या? शिखर दिव्यांशु के हाथों में फोन देते हुए बोलता है, मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए थी आपसे, मुझे बस ये पता लगाना है कि आखिर ये अनजान नंबर है किसका। इस नंबर से मुझे कोई बार बार संदेश भेजकर परेशान कर रहा है। दिव्यांशु शिखर से नंबर लेते हुए बोलता है, शिखर सर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसे फ्रॉड केसेस मैंने बहुत देखे हैं, मेरे साथ भी होते रहते हैं, मुझे 2 दिन का समय दीजिए पता लगाने को, फिर क्या मैं इसे आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। दिव्यांशु के इस आश्वासन से शिखर के चेहरे पर एक मुस्कान आई और वो मन ही मन सोचता है, बस 2 दिन और फिर पता लग जाएगा कि आखिर कौन है ये शुभचिंतक। शिखर दिव्यांशु को धन्यवाद अदा करते हुए पूछता है, वैसे एक बात तो मैं आपसे पूछना ही भूल गया, क्या आपके इस होटल में कोई कमरा खाली होगा क्या? मैं भी यही शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ। इस बात पर दिव्यांशु हंसते हुए जवाब देता है, अरे ये पूरा होटल आप ही का है, आप जिस मर्जी उस कमरे में रुक सकते हैं, मैं अभी मैनेजर को बोलकर आपके लिए होटल का सबसे खूबसूरत कमरे का इंतजाम करवाता हूँ, अगर आपका बाकी सामान कहीं रखा हुआ है तो बता दो, मैं ड्राइवर को भेजकर वो भी मंगवा लूंगा। शिखर धीमी सी आवाज में बोलता है, मेरा जितना भी इस दुनिया में अपना कहने को है वो सब मेरे पीठ पे टंगे बस्ते में है, इसके अलावा मेरे पास कोई और सामान नहीं है। ये बोलकर शिखर यहां से निकल जाता है और दिव्यांशु भी उसे अचरज भरी नजरों से देखता रहता है। देखते ही देखते उस आलिशान होटल के कमरे में कब 2 दिन बीत गए शिखर को पता ही नहीं चला। उसने अपना ज्यादातर वक्त चाचा के तौलिए से बात करते हुए बिता दिया, कभी अपनी इस नई दुनिया के बारे में बातें करते हुए तो कभी शुभचिंतक के बारे में सोचते हुए। शिखर को जब 2 दिन तक दिव्यांशु से उस नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो शिखर बिना देर किए खुद ही चला गया दिव्यांशु से मिलने। शिखर दिव्यांशु के सुइट जाकर जब उससे सवाल करता है नंबर को लेकर, दिव्यांशु निराशाजनक आवाज में जवाब देता है, मैंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को लगाया था इस काम पे, मगर वो भी इस नंबर का कोई अता पता नहीं ढूंढ सका, जिसके नाम पे ये नंबर है वो इंसान इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, किसी जाली आईडी से ये नंबर लिया गया है। शिखर ये बात सुनकर एक भारी आह भरते हुए बोला, जब 2 दिनों तक आपका कोई जवाब नहीं आया था तो इतना तो मैं समझ गया था कि शायद यही हुआ होगा, मगर फिर भी आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। दिव्यांशु भी उतनी ही सरल आवाज में जवाब देता है, आपने मेरी मदद की थी मुसीबत के वक्त, अब आगे भी कभी मैं आपके किसी काम आ सकूं तो जरूर बताइएगा। शिखर मुड़कर अपने कमरे की ओर जा ही रहा था कि उसके फोन की घंटी बजती है और फोन में उसी नंबर से आया मैसेज देखकर शिखर वहीं रुक जाता है। संदेश में लिखा होता है, मुझसे मिलना ही है तो पहले ही बता देते, इतना सब करने की क्या जरूरत थी, मिलना ही है तो कल कॉलेज के खत्म होते ही बाहर मुझसे मिलना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शिखर कसकर अपने फोन को पकड़ते हुए सोचता है, आखिर कैसे ये मुझसे हमेशा एक कदम आगे ही रहते हैं और आज अचानक मिलने को राजी कैसे हो गए, कहीं ये इसकी कोई नई चाल तो नहीं है।
जरूर कोई दो नंबर ही धंधा करना शुरू कर दिया इसने, वरना जिसके पास खाने तक को पैसे नहीं होते थे उसने इतना बड़ा होटल आकर कैसे खरीद लिया। अगले दिन कॉलेज में कक्षा के सभी बच्चों के बीच शिखर के बारे में उसके दोस्तों के बीच वार्तालाप चल रही थी। अंकुश बोला, मुझे पता है कि कौन सा दो नंबर ही धंधा करता होगा ये। जिस इलाके में शिखर रहता है वहाँ मेरे घर की नौकरानी भी रहती है। सुनने को मिलता है वहाँ सबके सब गंजेड़ी रहते हैं, जितने भी नौजवान लड़के रहते हैं सब गांजा बेचने में लगे रहते हैं। बस क्या पता उनके संगत में इसने भी वही धंधा शुरू कर दिया होगा। क्या शिखर सच में ड्रग्स बेचने लगा है? मुझे भी यही लगता है। बच्चे आपस में फुसफुसाने लगे, तभी उनमें से एक बोला, अगर ऐसी बात है तो क्या हम भी उसी से ड्रग्स लेना शुरू कर दें? दोस्त होने के नाते सस्ते में दे देगा हमें। ये सुनकर दूसरा लड़का बोला, मगर अंकुश ने जैसे सबके सामने उसका मजाक उड़ाया उसके बाद क्या वो हमें ड्रग्स देगा भी? अंकुश बोला, क्यों नहीं देगा, खटिया ना खड़ी कर दूं मैं उसकी अगर देने से मना किया तो। तभी सबकी आंखें दरवाजे की ओर जाती है, शिखर कक्षा में प्रवेश करता है। एक समय पे जो पूरा दिन कक्षा में बैठा रह जाए फिर भी उसे कोई नहीं पूछता था, उसके होने या होने का किसी को आभास भी नहीं होता था, आज उसके आने की आहट मात्र से ही सबकी नजरें उसी की ओर टिकी थी। कुछ बच्चे तो शिखर को भय की नजरों से देखे जा रहे थे। शिखर अपने स्थान पर जा बैठता है और अंकुश को सभी बोलते हैं, जाओ बात करो अब। अंकुश भी रौब से चलते हुए शिखर के पास जाता है। अपने स्थान पर बैठे शिखर को फिर से एक संदेश आता है। शिखर सोचता है कहीं फिर से उनका ही तो संदेश नहीं है। फोन देखता है, संदेश दिव्यांशु का था, मगर संदेश में जो लिखा था वो देखकर शिखर तुरंत उठ खड़ा हुआ। शिखर के सामने अंकुश आकर बोलता है, कुछ बात करनी है तुझसे। मगर शिखर बस इतना बोलता है, समय नहीं है मेरे पास अभी तुम्हारे लिए, बाद में बात करेंगे, और भागने लगता है ये सोचते हुए कि जल्द से जल्द मुझे होटल पहुंचना है। शिखर जैसे ही होटल पहुंचता है दिव्यांशु उससे पूछता है, शिखर सर मैंने संदेश में कहा था जरूरी बात है, फिर आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? शिखर बोला, टैक्सी मिलने में समय लग गया। दिव्यांशु चौंकते हुए बोला, शिखर सर आप करोड़पति होते हुए भी टैक्सी से क्यों आ रहे थे? अगर आपकी कार खराब है तो मैं अपनी कार भिजवा देता आपके लिए। शिखर ने जवाब दिया, मेरे पास कोई कार नहीं है। क्या बात थी जिसके लिए आपने मुझे यहां बुलाया? शिखर को पूरी बात समझाते हुए दिव्यांशु बोलता है, वो दरअसल कल रात को हमने अपने एक रसोइये को काम से निकाल दिया था और जाते हुए उसने कुछ मेहमानों का रात का खाना खराब कर दिया था। अब वो सब के सब अपने आगे की बुकिंग रद्द करके होटल छोड़ के जाना चाहते हैं, मगर ऐसा हुआ तो भारी नुकसान होगा। मैंने बात करके मनाने की कोशिश की तो मगर कोई मानने को तैयार नहीं। शिखर तुरंत बोल पड़ा, क्या आपने अब तक उनके बिल पे छूट या कटौती की उनको मनाने के लिए? इसके जवाब में दिव्यांशु बोला, इस फैसले का हक बस आपको है, मैं इस होटल का बॉस नहीं रहा जो ये फैसला ले सकूं। होटल बिकने के बाद मेरा यहां रहना भी उचित नहीं, मगर इस होटल से एक अलग ही लगाव है मुझे। उम्मीद है मेरा यहां रहना और होटल के मामले में बातें करना, शिखर सर आपको बुरा ना लग रहा हो? शिखर दिव्यांशु की आंखों में आंखें डाल के बोला, ये होटल जितना मेरा है ना उतना आपका भी है। आज के बाद होटल के हित में कोई भी फैसला लेना हो तो मेरी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से भी फैसला ले सकते हो, इतना हक है आपका। शिखर अपना निर्णय बताते हुए बोलता है, ठीक है तो अभी मैं खुद जाकर सबसे माफी मांगता हूं और उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं। शिखर ने जैसे ही बोलना खत्म किया पीछे से एक मधुर आवाज आई, ऐसे खाली हाथ जाओगे सबको मनाने शिखर सर? शिखर ने मुड़कर देखा तो अनन्या पीछे ही खड़ी थी। शिखर ने सवाल किया, तो फिर? अनन्या शिखर का हाथ पकड़ के बोली, मैं बताती हूँ,
और अपने पिता की अनुमति लेते हुए शिखर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे के बाहर ले जाती है। शिखर का दिल भी अनन्या के स्पर्श से जोरों से धड़कने लगा था और वो बिना कुछ बोले अनन्या के साथ चला जाता है। आखिर कैसे बचाएगा शिखर अपने होटल की इज्जत? क्या चल रहा था अनन्या के दिमाग में और वो कहां ले जा रही थी शिखर को अपने साथ? और आज जब शुभ चिंतक से मिलेगा शिखर तो कौन से सच निकलकर सामने आएंगे? हम यहाँ क्यों आ गए? आखिर यहाँ ऐसा क्या है जो हमें होटल की प्रतिष्ठा बचाने में मदद करेगा? शिखर अपना सर खुजलाते हुए बोला, मेरे दादाजी कहते थे प्यार से बनाया हुआ अच्छा खाना खाने के बाद कोई किसी को भी माफ कर सकता है, और वैसे भी इस मुसीबत की शुरुआत भी तो यहीं से हुई थी। एक चंचल मुस्कान अपने चेहरे पे लिए अनन्या ये सब बोलती है। शिखर और अनन्या होटल के रसोई घर में खड़े थे। शिखर अनन्या को बस देखे जा रहा था, ये सोचते हुए कि आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में। शिखर अपने गले पे हाथ फेरते हुए अनन्या से पूछता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अनन्या बोली, खाली हाथ माफी मांगने की जगह साथ में कुछ मीठा लेकर जाओ। केक कैसा रहेगा? बस माफी मांगने की जगह सबके लिए एक एक केक लेकर जाओ। शिखर को अनन्या की ये बात सही लगती है और वो हामी भरते हुए बोलता है, ठीक है तो मैं अभी लग जाता हूँ सबके लिए केक बनाने में। अनन्या हंसते हुए अपने मुंह पे हाथ रख के बोलती है, तुम क्यों बनाओगे केक सबके लिए? आप भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, आप इस होटल के मालिक हो, आपके एक हुक्म पे सब काम पे लग जाएंगे। शिखर मन ही मन सोच रहा था, ये बार बार ये बात क्यों भूल जाता हूँ मैं? वैसे ये सही मौका है इस होटल की जिम्मेदारी लेने का। और अनन्या से बोलता है, मैंने कुछ दिनों तक एक बेकरी में काम किया था, केक बनाना खूब अच्छे से आता है मुझे, आज तो सबके लिए केक मैं ही बनाऊंगा। और इतना बोलकर शिखर काम पे लग जाता है। रसोई में जितने भी रसोइये थे उनकी मदद से होटल में ठहरे सभी मेहमानों के लिए शिखर अपने हाथों से केक बनाता है। अनन्या भी उसके साथ मिलकर उसका हाथ बटाती है। देखते ही देखते केक बन भी जाता है और शिखर अनन्या के साथ मिलकर हर मेहमान को खुद खेद जताने और बिल पर छूट देने के लिए पहुंच जाता है। मेहमान भी शिखर की इस बात से काफी इंप्रेस होते हैं, तो कई शिखर को देख के चौंक पड़ते हैं, अरे इतनी कम उम्र का मालिक, कमाल है ये तो, आज से पहले किसी भी होटल में इतना अपनों जैसा महसूस नहीं कराया हमें। कुछ तो केक खा के शिखर के दीवाने हो जाते हैं, भाई वाह, इतना स्वादिष्ट केक तो किस्मत से ही नसीब होता है। और देखते ही देखते सब मेहमान कल रात की बात को भुलाने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर कक्षा में अंकुश शिखर के उसे अनदेखा करने वाली बात को लेकर अब तक गुस्से में था। अंकुश का दोस्त उसे बोलता है, तूने बोला था ना तेरी बात अनसुना नहीं कर सकता वो, मगर उसने तो तुझे ही अनदेखा कर दिया। अंकुश बात बदलते हुए बोलता है, वैसे मैं कुछ सोच रहा था, ये शिखर तो देखने में ही नौसिखिया लगता है, कहीं इसके चक्कर में आगे चलकर हम ना फंस जाएं। मतलब अगर ये पकड़ा गया तो पुलिस कक्षा में आकर छानबीन करेगी और हमें भी उसके साथ हवालात में कुछ दिन गुजारने ही पड़ेंगे। एक बच्चा अंकुश के खिलाफ बोला, तू ये सब इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि शिखर ने तुझे भाव नहीं दिया? तो दूसरा अंकुश के पक्ष में बोलता है, मुझे भी अंकुश की बात सही लग रही है और साफ बात, मैं तो हवालात जाने से डरता हूं। और तुरंत बाकी सब बच्चे भी राजी हो गए कि शिखर का कुछ करना होगा इससे पहले कि हम फंस जाए इस चक्कर में। कॉलेज से निकलकर अंकुश अपने पापा के दोस्त पुलिस जो कि एक एसपी है उनसे मिलने जाते हैं और शिखर के बारे में सारी बातें बताते हैं। एसपी आश्वासन देते हुए उन्हें बोलता है, शहर में इन जैसे लोगों की वजह से ही गंजेड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो बस देखो कैसे उसके बॉस के बारे में पूरी जानकारी निकाल कर पूरे सरगना को दबोचते हैं। अंकुश एसपी की ये बातें सुनकर मुस्कुराते हुए सोचता है, अब देखता हूँ शिखर के बच्चे को मुझसे भिड़ने का अंजाम। क्या हम अकेले में कहीं जा सकते हैं? वो दरअसल मुझे कुछ बताना था तुम्हें।
शिखर अनन्या को बोलता है। कौन सी बात? अनन्या ने पूछा। शिखर बोला, साथ चलो तो, सरप्राइज है। अनन्या ने जैसे ही हामी भरी, शिखर उसे अपने साथ फिर से रसोई में ले जाता है और थोड़ी देर आंखें बंद करने को बोलता है। अब आंख खोलो। शिखर की ये बात सुनकर अनन्या जैसे ही आंखें खोलती है, सामने जो है उसे देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है और हैरान होकर पूछती है, ये कहां से आया? शिखर अपने लाल चेहरे के साथ अनन्या के सामने एक छोटा सा केक लेकर खड़ा था और बोला, मेहमानों के लिए केक बनाते वक्त मैंने एक छोटा सा केक तुम्हारे लिए भी बनाया था। आखिर तुमने जो मेरी मदद की है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया भी तो अदा करना था। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, हाउ स्वीट। मैं तो कब से ये सोच रही थी कि तुम्हें कहीं बुरा ना लगे कि मैं इन सब मामलों में दखलंदाजी कर रही हूँ। वो बचपन से ही यही पली बड़ी हूँ ना मैं, तो इस जगह से अलग ही लगा हुआ मुझे। शिखर अनन्या की बात काटते हुए बोलता है, तुमने जो भी किया सही किया। अगर तुम ना होती तो न जाने सब इतने अच्छे से मैं संभाल भी पाता या फिर नहीं। इतना बोलते हुए अनन्या अपने दोनों हाथों से केक खा रही थी, तभी उसके बाल चेहरे पे आ रहे थे। शिखर अनन्या के करीब आते हुए उसके चेहरे से बाल हटाता है और कुछ पल के लिए सब कुछ भुलाकर दोनों बस एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। अनन्या हिचकिचाते हुए बोलती है, अगर पुराना मानो तो एक बात पूछूं, तुम इसी कपड़े में क्यों घूमते रहते हो हमेशा? अब होटल के मालिक बन चुके हो तुम, और अगर होटल का मालिक अगर ऐसे कपड़े पहनेगा तो लोग होटल के बारे में क्या सोचेंगे? शिखर बोला, आरामदायी कपड़े हैं ये, इसलिए यही पहने रखता हूँ हमेशा। मगर तुम्हारी बात भी सही है, कम से कम यहाँ के मेहमानों के आगे तो मुझे ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। होटल की खातिर? अनन्या बोली, यहीं पास में एक मॉल है, अगर अभी कुछ नहीं कर रहे तो चलो मेरे साथ शॉपिंग करते हैं। शिखर को भी ये ख्याल पसंद आता है, मगर उसकी नजर जैसे ही घड़ी पर पड़ती है वो उठ खड़ा होता है। कॉलेज खत्म होने का समय होने वाला था और कल आए संदेश के मुताबिक शिखर को कॉलेज के बाहर मिलना था उनसे इन पैसों के पीछे का राज जानने के लिए। शिखर बिना समय बर्बाद किए अनन्या से माफी मांगता है और वहां से रवाना हो जाता है अपने कॉलेज के लिए। अंकुश और दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं कब उसके एसपी अंकल की तरफ से शिखर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की खबर आएगी। अंकुश फोन करने की भी कोशिश करता है एसपी को, मगर उसका फोन काटकर एसपी उसे एक संदेश भेजते हैं कि अभी मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। अंकुश ने मन ही मन सोचा, अब तक तो कोई कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी शिखर के खिलाफ, क्या हो गया? अंकुश डींगे मारते हुए बोलने लगता है, एसपी अंकल ने बोला है ना तो करके दिखाएंगे, पूरा भरोसा है मुझे उन पर। इससे पहले भी शहर के सबसे बड़े नशे के सरगना को उन्होंने अकेले ही पकड़वाया था। तभी अंकुश का फोन बजने लगता है, फोन पे उसके एसपी अंकल का ही नाम होता है। अंकुश तुरंत फोन उठाता है और दूसरी ओर से एक डरी हुई आवाज में एसपी बोलता है, मैंने शिखर के बारे में पता लगाने की कोशिश की, मेरी मानो तो शिखर को तुम सब अकेला छोड़ दो, उसके पीछे किसी बहुत बड़े इंसान का हाथ है, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, उनसे जितना दूर रहो तुम उतना ही अच्छा है। और अचानक से फोन काट देते हैं उसके एसपी अंकल। अंकुश और बाकी दोस्त ये सुन के हैरान हो जाते हैं, ऐसा कौन है शिखर के पीछे कि एसपी चाचा ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया। तभी शिखर कॉलेज के एंट्रेंस के पास पहुंचता है और शिखर को देखकर मानो सब कांप उठते हैं। सब तुरंत बिना कुछ बोले वहां से निकलने लगते हैं, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए हम पे। अंकुश मगर पीछे नहीं हटता, सोचता है इसका पीछा करता हूं, आखिर मैं भी तो देखूं कौन है वो इंसान जिसका हाथ है इसके सर पे। शिखर कॉलेज के बाहर खड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उसके पीछे छुप कर खड़ा अंकुश
उसी ओर देखे जा रहा था। तभी एक बड़ी सी मर्सिडीज गाड़ी आती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। आखिर ये गाड़ी किसकी हो सकती है? हमारे कॉलेज में इतना अमीर कौन है जो मर्सिडीज में घूमे? और उस गाड़ी से जो निकलती है उसे देखकर मानो सबके होश उड़ जाते हैं। उस कार से जो निकली थी वो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि सभी लड़के देखते ही लट्टू हो गए उस पर। ऑफिस के कपड़े पहने एक खूबसूरत सी लड़की गाड़ी से बाहर निकलती है। खूबसूरत इतनी कि लड़के बस उसे देखकर उसके सपनों में खो गए। काश इससे एक बार मेरी पहचान हो जाती, दूसरा बोला। उसकी कार और फिर उसे देख, उसकी कार तक को छूने की औकात नहीं हमारी, उसे छूने का सपना तो देखना ही छोड़ दो। शिखर बिना उसकी ओर कोई ध्यान दिए अपने शुभचिंतक के आने का इंतजार कर रहा था, और वो लड़की आगे बढ़ते हुए शिखर जो किसी के इंतजार में खड़ा था उसके सामने जा पहुंची। शिखर भी उसे देखकर हैरान हो गया। कौन है ये? कहीं यही तो नहीं मेरी शुभचिंतक? मैं तो आज से पहले इनसे कभी मिला भी नहीं, फिर ये क्यों देगी मुझे इतने पैसे? उस लड़की को शिखर के साथ देखकर मानो पूरे कॉलेज के लड़कों में सनसनी मच जाती है। अंकुश भी बस देखे ही जा रहा था, ये लड़की इसके साथ क्या कर रही है? कहीं उस गांजे के धंधे में ये भी तो शामिल नहीं? वो लड़की शिखर के कानों में कुछ फुसफुसाती है और शिकार उसकी कार में जा बैठता है। कहां ले जा रहे हो मुझे? शिखर जैसे ही कार में बैठा, कार तेज रफ्तार से चलनी शुरू हो गई। शिखर के बगल में बैठी लड़की बोलती है, बस इस इलाके का एक चक्कर लगा के तुम्हें वापस यहीं छोड़ दिया जाएगा। शिखर अपने तेज धड़कते हुए दिल को शांत करते हुए बोला, तो आखिरकार हम आमने सामने आ ही गए। लड़की अपनी मीठी सी आवाज में बोली, हाँ मैं भी आपसे मिलने और मिलके काम शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरा नाम बबीता बनर्जी है। शिखर सीधा सवाल करते हुए पूछता है, मुझे आपके नाम से कोई लेना देना नहीं, मुझे बस ये जानना है कि ये पैसे मुझे क्यों दिए आपने? आखिर मकसद क्या है आपका ऐसा करने के पीछे? बबीता शिखर की बात काटते हुए बोली, लगता है कोई गलत फहमी हुई है, मैंने आपको कोई पैसे नहीं दिए। शिखर ये बात सुनके चौंक उठता है, तो फिर आप यहां क्या कर रही हो? कौन हो आप? शिखर के मन में सवालों की लहर उठ रही थी। बबीता उनका जवाब देते हुए कहती है, मैं आपकी सेक्रेटरी हूं, मुझे सिर्फ आपका सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। शिखर के मानो होश ही उड़ गए थे ये बात सुनकर। उसकी जिज्ञासा खत्म होने की जगह और बढ़ती गई, किसने नियुक्त किया तुम्हें? कौन है वो? मुझे उसके बारे में बताओ, उससे मिलना है मुझे। बबीता बोली, वो इंसान कौन है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक रोजगार एजेंसी के द्वारा किसी ने नियुक्त किया है आपका सेक्रेटरी बनने को। शिखर गुस्से में बोला, मुझे बस इतना जानना है कि मुझे ये पैसे क्यों मिले हैं, क्या राज है इसके पीछे? मेरी सेक्रेटरी हो ना, तो जाओ और इस बात का पता लगाओ पहले। अगली बार जैसे ही कोई ऑर्डर आता है मुझे, मैं ये जरूर बोलूंगी। ऑर्डर आता है मतलब? शिखर ने पूछा। बबीता उसे समझाते हुए बोली, जब भी कोई काम होता है तो मुझे किसी का फोन या फिर एक संदेश आता है कि मुझे क्या करना है। शिखर पलट कर कुछ नहीं बोला, वो समझ गया था कि बबीता से उसे उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला है। वैसे मैं कुछ पूछ सकती हूँ शिखर सर? बबीता बोली। शिखर ने सर हिलाते हुए परमिशन दी, अगर आपकी जगह किसी और को इतने पैसे मिले होते तो वो पैसा कहाँ से आया ये पता लगाने की जगह उन पैसों का इस्तेमाल करके जिंदगी के मजे ले रहा होता। कई लोगों को तो अपने आम सी जरूरतें पूरे करने को भी पैसे नहीं होते, ऐसे में आप मिले हुए पैसे वापस करना चाहते, आखिर ऐसा क्यों? शिखर ने धीमी सी आवाज में जवाब दिया, हर अच्छे चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है, इसकी भी कोई ना कोई कीमत चुकानी होगी मुझे, मुझे बस वो कीमत पता लगानी है। बबीता सामने देखते हुए बोली, सर आपका कॉलेज आ गया है, आज अनन्या को सारी बातें पता ही दूंगा, आज
अनन्या को सारी बातें बता ही दूंगा। अगले दिन शिखर सोचते हुए अपनी कक्षा की ओर बढ़ रहा था। शिखर बार बार इस बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। मन हल्का करने के लिए किसी से ये बात साझा करना चाहता था। अगले दिन अपने ख्यालों में खोया शिखर जैसे ही कक्षा में प्रवेश करता है, उसकी आंखें अनन्या को ढूंढने लगती है, मगर अनन्या कहीं नजर नहीं आती। नजर आते हैं तो बस बच्चे जो सहमे हुए उसकी ओर घूर ही जा रहे हैं। शिखर को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो कोई बाहुबली हो जिससे प्रजा डरती हो। सबकी आंखों में शिखर के लिए खौफ साफ दिख रहा था। इसका कारण ना तो शिखर को पता था, ना ही उसने जानने की कोशिश की। शिखर सबको अनदेखा करके अपने ख्यालों में खोया हुआ चुपचाप अपने स्थान पर जाकर बैठ गया, अनन्या का इंतजार करते हुए। एक विषय खत्म हो गया मगर अनन्या अब तक दिखने को नहीं आई। कक्षा के बीच में छुपकर शिखर ने उसे फोन भी किया और संदेश भी भेजे, मगर अनन्या की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही कक्षा खत्म होती है, शिखर अंकुश के पास चले जाता है। शिखर को उनके मंडली की तरफ आते देखकर अंकुश और उसके दोस्त घबराने लगते हैं। उनमें से एक फुसफुसाते हुए बोलता है, कहीं इसे पता तो नहीं लग गया कि हमने इसकी शिकायत की थी। अंकुश उसे शांत करते हुए बोलता है, चुप कर, मुझे बात करने दे। शिखर अंकुश के सामने आकर पूछता है, अनन्या कहाँ है, आज कॉलेज क्यों नहीं आई वो? अंकुश और बाकी बच्चे मन ही मन राहत की सांस लेते हैं, इसे एसपी को की हुई हमारी शिकायत के बारे में शायद कुछ नहीं पता। फिर अंकुश आगे बढ़ते हुए जवाब देता है, अनन्या के बारे में तू हमसे क्यों पूछ रहा है? हमसे ज्यादा तो आजकल वो तेरे साथ रहती है, हमें तुझसे पूछना चाहिए उसके बारे में। शिखर समझ जाता है कि यहां से कुछ पता नहीं लगने वाला और बिना कुछ बोले ही मुड़ के जाने लगता है। उसे जाता देखकर अंकुश भी एक सवाल उसकी ओर फेंकता है, ये तो बता दे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, अभी से ही प्यार में तो नहीं पड़ गए तुम एक दूसरे के? शिखर उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कक्षा से निकल जाता है। तभी उसके फोन में अनन्या का संदेश आता है, जिसे पढ़ते ही शिखर वहां से भागते हुए निकल जाता है। क्या लिखा था उस संदेश में जो शिखर यहां से भागते हुए चला गया? आखिर क्या मकसद था शिखर के शुभ चिंतक का उसके लिए सेक्रेटरी नियुक्त करने के पीछे? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी।